न्यूज स्पॉन्सर्ड बाय सुपर 35 कोचिंग इंस्टीट्यूट रीवा। अब बात करते हैं सतना की, जहां जिले में आदर्श आचार संहिता का खुलेआम उल्लंघन देखा गया है। हैरत की बात तो तब रही जब यह उल्लंघन कोई और नहीं बल्कि निर्वाचन की अधिकारी और कर्मचारी करते दिखे। सोहाबल ब्लॉक के आरआई मतदान कक्ष में रिवॉल्वर लेकर पहुंच गए और यह तस्वीर एक मीडिया के कैमरे में कैद हो गई। आपको बता दें कि सोहाबल ब्लॉक के केंद्र क्रमांक 192 मतदान में गड़बड़ी होने की शिकायत पर तहसीलदार बीके मिश्रा मौके पर जांच करने पहुंचे थे। उनके साथ सोहाबल ब्लॉक के आरआई राजेश तिवारी भी मौजूद थे। राजेश तिवारी ने अपने जीन्स के पॉकेट पर रिवॉल्वर खोस रखी थी। मौके पर खड़े पुलिसकर्मी ने यह देखकर तत्काल राजेश तिवारी को मतदान कक्ष से बाहर निकल जाने के लिए भी कहा, लेकिन तहसीलदार बीके मिश्रा ने उस सुरक्षाकर्मी को इशारों में रोक दिया। गौरतलब है कि किसी भी मतदान केंद्र के अंदर किसी भी प्रकार का हथियार ले जाना पूर्णतः आचार संहिता का उल्लंघन है, लेकिन सतना में खुलेआम आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन उन लोगों ने ही किया है जिन पर इसके पालन कराने की जिम्मेदारी है। बहरहाल तस्वीरें सामने आने के बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं। गौरतलब है कि चुनाव के पहले बंदूकें और रिवॉल्वर थानों में जब्त कराने के निर्देश भी दिए गए थे, फिर भी खुलेआम रिवॉल्वर लेकर अधिकारी कर्मचारियों का मतदान केंद्र के अंदर देखे जाने पर कई सवाल खड़े कर रहा है। विराट 24 के सतना से संपत मिश्रा की रिपोर्ट। आप बताओ ऐसे हम लोग कितने बैठे हैं, इनसे कोई गुलशन तुम पीछे आ जा बेटा, बताओ कोई दिक्कत है बेटा। आज हम एक महीने से चुनाव लड़ रहे हैं, निष्पक्ष मतदान चाहते हैं, बिल्कुल भाई जी का वोट जो पड़े होंगे अगर वो जब्ते में नहीं निकली जा रही है, तो फिर उस समय पे मतगणना में वो कराएंगे।